नमस्कार सत श्री अकाल। अभी मेरे पास यहाँ पर आई है सुजुकी की एवनेस 125। इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, अलॉन्ग विद दैट क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या फिर इसका जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है दैट इज एक्सेस 125 वो आपको लेना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाड़ी के साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा इसका जो लुक निकल के आता है, अलॉन्ग विद दैट ये जो कलर है दैट इज मैट ब्लैक। मैट ब्लैक कलर में ये गाड़ी आपको देखने मिलती है। फ्रंट की प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी देखने मिल जाएगी, बहुत ही एकदम ऐसे। इसकी जो हेडलाइट है ना थोड़ा अग्रेसिव लुक टाइप की लगती है। हैलोजन बल्ब आपको देखने मिलता है, जो इंडिकेटर्स है आपको सामने ही मिलेंगे। नीचे यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर जो है वो देखने मिलने वाले हैं। ये मेटल है जैसे कि आपको एक्सेस 125 में मिलता है। फ्रंट में आपको 12 इंचेस के टायर देखने मिलेंगे। रेयर में जो है वो आपको मिलता है स्विंग आर्म सस्पेंशन, अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर आपको 10 इंचेस के टायर जो है वो आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे सेम ब्लैक में आपको एमनीस की जो है वो ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारी लगती है। ओवरऑल इसका जो लुक है ना बहुत ही ज्यादा प्यारा है। बारिश की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो पानी इस गाड़ी के ऊपर है, लेकिन इससे इसके लुक में बहुत ज्यादा निखार आता है। जब आप इसको लाइव देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। बटन्स की बात करें तो बटन्स में भी आपको बिल्कुल सेम देखने मिलते हैं। हाई बीम लो बीम है, इंडिकेटर्स है, यहाँ पे हॉर्न है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो है और यहीं पे आपको इंजन किल अलॉन्ग विद दैट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन देखने मिलता है। इसके डिस्प्ले के ऊपर भी बात करने के लिए ना मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर आपको राइड कनेक्ट का फीचर देखने मिलता है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन की लाइट देखने मिलेगी, यहाँ पे आपको इंजन लाइट मिलती है, अलॉन्ग विद दैट हाई बीम लो बीम मिलेगा। सेट करके आप चेंज कर सकते हो, माइलेज ओडो वगैरह आप इसके अंदर देख सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ही आप इसके अंदर राइड कनेक्ट जो इसका ऐप आता है उसके थ्रू आप कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर आप यहाँ पर आपको SMS कॉल, ब्लूटूथ, नेविगेशन सारी चीजें आपको यही इनबिल्ट डिस्प्ले के अंदर देखने मिल जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा कंपार्टमेंट है बॉटल रखने के लिए। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको एक छोटा सा लिवर मिल जाता है, छोटी सी स्पेस है और इस स्पेस के अंदर आपको मिल जाता है चार्जिंग का ऑप्शन। ये जो चार्जिंग का ऑप्शन है फोन आप इसके अंदर डायरेक्टली रख सकते हो, सेफ रहता है यार, काफी अच्छा है। ये वाला जो सिस्टम है ना ये मैंने दूसरी स्कूटी में देखा, काफी अच्छा है। एंडी सेम आपको स्कूटी के अंदर फ्लैट फुट जो है वो सेटअप आपको देखने मिलेगा। फ्लैट फुट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर स्टोरेज की स्पेस जो है ना वो थोड़ी ज्यादा देखने मिलेगी। बॉडी के साइड पैनल में छोटा सा रिफ्लेक्ट, फ्रंट में आपको जो है वो डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट पीछे के टायर की अगर हम लोग बात करें तो पीछे जो है पीछे आपको मिलता है ड्रम ब्रेक इस गाड़ी के अंदर। ये दोनों में ड्यूअल सस्पेंशन नहीं है, ड्यूअल डिस्क ब्रेक नहीं है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिलता है दैट इज टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। फ्रंट का भी आप इसका लुक देख लो, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इसकी ना एक चीज अच्छी नहीं लगी जो कि है इसके इंडिकेटर्स। अगर इसके अंदर यहीं पे प्रॉपर LED देखने मिल जाते तो काफी अच्छा होता। इसमें ऐसा लगता है कि ये जो नॉर्मल आपको हेलोजन दिए ना इसकी वजह से कॉस्ट कटिंग हुई है थोड़ी सी इसके अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पावर नहीं देती। पावर से ज्यादा इसके इंजन की बात करते हैं, ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 8.7 BHP का पावर अलॉन्ग विद दैट 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ये गाड़ी प्रोड्यूस करके देती है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करते हैं, इसके अंदर आपको मिलता है 5.2 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी जो कि एक्सेस जो आती है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा है। रेयर में भी जो है वो आपको यहाँ पर हेलोजन सेटअप देखने मिलता है। पीछे आपको टेल लाइट LED है लेकिन जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो आपको हेलोजन देखने मिलते हैं। ओवरऑल गाड़ी में देख रहे हो ना हर जगह एक पूरा प्रॉपर मैट ब्लैक सेटअप है और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ज्यादा। मैट ब्लैक मेरा पर्सनली फेवरेट कलर है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे SEP की ब्रांडिंग देखने मिलती है दैट इज सुजुकी इको परफॉर्मेंस। सुजुकी ने ऑयल कूल सिस्टम बनाया था, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया है और ये जो इन लोगों की टेक्नोलॉजी है इसको और रिफाइन करते जा रहे हैं। बात करते हैं इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की, तो जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इट इज इन मुंबई, यहाँ पे ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगी दैट इज 1,27,000 ऑन रोड। अगर ये गाड़ी आपको टेस्ट करनी है या फिर आपको इसका एक छोटा सा टेस्ट राइड लेना है तो उसके लिए भी आप आ सकते हो। जितनी भी सारी डिटेल्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर यहाँ पे अपनी टेस्ट राइड बुक कर सकते हो। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके बारे में और अगर वो वीडियो चाहिए, इसका राइड रिव्यू चाहिए तो उसके लिए भी नीचे कॉमेंट करना, आपको वो वीडियो भी हम लोग बहुत जल्दी देंगे। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।